धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। धार जिले की कुक्षी तहसील के निसरपुर ब्लॉक से 12 फरवरी को प्रारंभ हुई यात्रा, जिसका निसरपुर ब्लॉक में प्रवेश हुआ। एक तरफ यात्रा में पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, परंतु वही किसी भी मीडिया कर्मी को संबंधित अधिकारियों के द्वारा इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। संबंधित अधिकारी उन कार्यों पर पर्दा डालना चाहते हैं, जिनसे उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है। जिन योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के प्रयास किया जा रहा है, जिनके दम पर सरकार पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाल रही है, पर जो धरातल पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। निसरपुर ब्लॉक में यात्रा जहां से प्रारंभ हुई है, वहीं से कुछ दिनों पूर्व नल जल मिशन योजना, शिक्षा व्यवस्था और स्कूल और आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन को लेकर खबरें चलाई गई थी। आज निसरपुर ब्लॉक में यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई है। नल जल मिशन में जहां जनता के करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, एक तरफ सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है, तो वहीं संबंधित जिम्मेदार अधिकारी सरकार की मंशा को पलीता लगाने में लगे हैं। जहां से विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ, ग्राम पंचायत देहर में बिना साफ सफाई के दरी बिछाकर कचरे और गंदगी में लोगों को बिठाया गया, जिसको लेकर हमने निसरपुर जनपद CEO SD माधवाचार्य से चर्चा की। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी का टिकरा ग्राम पंचायत पर फोड़ दिया। जन प्रतिनिधियों के द्वारा लाभार्थी हितग्राहियों को योजना से जुड़े हुए लाभों के बारे में जानकारी दी गई एवं कई हितग्राहियों को लाभ दिए गए। यात्रा में प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप पटेल, पूर्व विधायक मुकाम सिंह किराड़े, वीरेंद्र सिंह बघेल, जिला पंचायत सदस्य दरियाव सिंह जमरा, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार, विकास यात्रा प्रभारी जिला पंचायत सदस्य चंचल पाटीदार एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे भारत वर्ष में, पूरे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाई गई, उसको लेकर हम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जा रहे हैं। आज विकास यात्रा का निसरपुर ब्लॉक का शुभारंभ था। उस शुभारंभ को आप सब ने देखा, जिस उत्साह के साथ, जिस आनंद के साथ पूरे गांव की जनता विकास यात्रा का स्वागत कर रही है, विकास यात्रा का अभिनंदन कर रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि विकास हर प्रति व्यक्ति, हर परिवार को अब हितग्राही मूलक योजना हो, व्यक्तिगत हित लाभ हो या सार्वजनिक विकास हो, सब ने माना है कि शिवराज सिंह जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश से देहर तक में विकास किया गया है। हम इसी बात को लेकर पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं और हमारी यह सफलता की कहानी हम पूरे मध्य प्रदेश में घुमा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये विधानसभा क्षेत्रवार है विकास यात्रा। ये विकास यात्रा 5 तारीख से चल रही है और आज हमारे यहाँ जनपद पंचायत के अंतर्गत प्रवेश किया है हमने। और जहाँ भी यात्रा हो रही है, स्थानीय जो ग्राम पंचायत के द्वारा व्यवस्था की जा रही है और आप देख रहे हैं टेंट लगाया है उन्होंने बैठने के लिए। लोगों से चर्चा करेंगे सब जनप्रतिनिधि, समस्त अधिकारी। सुविधा है, पीने का पानी नहीं और जहाँ बैठे बैठे वहाँ पर झाड़ू करने लगी हुई सफाई, तो ऊपर बिछाया हुआ आप देख ले सामने कि बिछाया हुआ है, जिसके ऊपर तो यहाँ को पंचायत की व्यवस्था थी। स्वच्छता अभियान की बात करती है, कचरे के अंदर बिछाए करके पेवर्स लगे हुए हैं, पेवर्स के ऊपर लगाया है, पेवर्स लगे हुए हैं यानी से पेवर्स के ऊपर। सर ये पेवर देख सकते हैं कि पेवर्स के ऊपर, अब ये क्योंकि ये तो सार्वजनिक रोड जैसा है, सामने पेवर्स लगाया हुआ है, जो ये जो बिछाया हुआ है ये भी पेवर्स के ऊपर है, कनाल से बिछाई हुई। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।